Hello students, in this video we will discuss the answer key of PGT Commerce held on 17th August 2021. UPSSB से जो पेपर आया था हमारा PGT Commerce का, तो उसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर शो करेंगे हम आपको, और साथ ही साथ 125 MCQs जो हैं वन पूरे क्वेश्चन पेपर में उसके आंसर्स भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड, फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इशू प्राइस से, तो उसका मतलब है डिस्काउंट। मतलब फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है और इशू मैंने 8 रुपीज़ पे कर दिया, इस केस को हम कहते हैं डिस्काउंट। तो हिंदी में भी देखिए आंसर दिया हुआ है बट्टा। स्केलर चेन प्रिंसिपल किसने दिया था, हेनरी फॉल। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इन वॉट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजीरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक प्रॉपर ऐसे चेन होती है, तो आंसर डी है, यही फिट था यहाँ पर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द एसेट्स ऑफ अ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर, जब हम डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसमें बुक वैल्यू में जो वैल्यू दी रहती है एसेट्स की, तो उसी पे हम ट्रांसफर करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम में कौन सा नहीं आता है। इस जो स्टैंडिंग क्रॉप खरीद लेता है वो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये जो स्टैंडिंग क्रॉप जो बनी बनाई क्रॉप उसको खरीद के बेचेगा, तो इतना ट्रेडर हो गया ना, तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड, अब जितना पैसा मंगाया होता है उसी से हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मालथुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मालथुसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर ये सी रहेगा आपका, पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली, ये थ्योरी में ये चीज़ लिखी हुई थी, तो आंसर इज सी। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन, इसमें प्रोविजन्स आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ डेटर बैड डेट जो हो चुके हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोविजन तो उन चीज़ों पे निकलता है ना जो फ्यूचर में होने वाले हैं लॉस। तो देखिए यहाँ 30% एन से लॉस होने वाला है और 40% ओ से लॉस होने वाला है, 4000 के होने ही वाले, तो इन सबका निकाल लीजिए, एडिशन कर दीजिए, 8800 आएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट कि यहाँ पे दिया हुआ है नाइन्थ क्वेश्चन, ऑन March 31st, 2019 टोटल डेटर्स दिए हैं 25,000 एंड बैड डेट्स है 1,000, सो रेट ऑफ डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट प्रोविजन के पहले लगाए जाते हैं, तो आप सिंपली पहले लगा दीजिए 24,000 का 2% 480। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हैज़ नो इफेक्ट, करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटर्स भी करंट का पार्ट होते हैं और कैश भी करंट का पार्ट होते हैं। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सपोर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर, एक्सपोर्ट असिस्टेंस लाइन मैनेजर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, की टेक्निक वेरियंस एनालिसिस नहीं होता है, वेरियंस मतलब डिफरेंस होता है कि हमने कितना सोचा था कितना आ गया, कितना डिफर किया, वेरियंस आया कितना। तो नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसीट होता है, वो कैपिटल मंगाते शेयर्स इशू करते हैं तो पैसा मंगाते हैं, तो उसमें जो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मंगा ली जाती है, सपोज 10 रुपीज़ के शेयर को 12 में मंगाया जाए तो 2 रुपीज़ कैपिटल का पार्ट है ना, तो ये कैपिटल रिसीट रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता है, ये ना ये पर्सनल ना करेंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर इज ए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, आपको इसमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं विच इज 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है 17, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट क्यों बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हमने रॉन्ग कोई आंसर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि डेटर्स को हम पहले राइट ऑफ करते हैं तो वापस अब डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इसको कन्वर्ट करना था हमें 19 क्वेश्चन में, तो 12 से सबको डिवाइड कर दीजिए, आंसर इज ए। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ कोर्सेज टू सिलेक्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग होता है। प्राइम कॉस्ट दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 25%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 29,000 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉस्ट शीट से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट द मेजर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ, इसका क्वेश्चन हमें लग रहा था ये क्वेश्चन रॉन्ग है, अर्थमेटिक मीन आंसर है इसका, अगर आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन सही है तो इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आंसर दीजिएगा। इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज़ कॉल्ड ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, फिर जब डिक्रीज करता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें आंसर नहीं मिल रहा था तो हमने क्रॉस कर दिया। इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेज विल बी, 3 एट्रीब्यूट्स हैं,
एक क्लास में दो इंटरवल होते हैं तो 3 के स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 9। द बेसिस ऑफ टैक्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस, बेसिस एनुअल वैल्यू पे ही होता है, एनुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे पर्सनल इनकम दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया और टैक्स दिया है। पर्सनल इनकम और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करिए, 1000 माइनस करिए, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड किया नहीं जाता है नेशनल इनकम में, तो आंसर है 61400। प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंगस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कहीं भी कम्युनिकेशन हो जा रहा है यहाँ पर। 25% ऑफ इशू प्राइस होता है, जब भी शेयर्स को इशू किया जाता है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% होती है इशू प्राइस की, कुछ लोग 10% लिखाए होंगे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक, FW टेलर, और एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं हेनरी फ्योल। द अर्थमैटिक मीन 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक एक चीज़ को तो मीन भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इज 25। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स प्रॉफिट से ही रिडीम किए जा सकते हैं, अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेस से कैसे कर लेंगे, लॉस है ऑलरेडी, अब पैसा कहाँ से दे पाएंगे, आंसर इज बी। सेकुलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, सेकुलर ट्रेंड सेमी एवरेज कुछ नहीं होता है, एवरेज भी और सेमी एवरेज ये क्या मतलब। हाई ईफो मेथड जो है वो जब इन्फ्लेशन होता है तब यूज होता है, तो प्राइस मटेरियल इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, की प्रॉफिट प्लानिंग कोई टेक्निक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सारे एजम्पशन थे, ट्रांजिटिविटी भी था, तो आंसर इज डी। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिस्टम के बारे में पूछा है तो आपको सिंगल एंट्री लिखना है, कौन सा सिस्टम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम को यूज़ नहीं किया जाता कैलकुलेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में, ब्यूटी का कोई पार्ट नहीं। इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है और पार्टनर रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर है वो कैसे लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ऑलरेडी है हमारे पास उस रेशियो में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न्ड विद, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वेयर हाउसिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड है कि इतनी इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए। इसका 4 months आंसर लग रहा है हमें, अगर आपको आंसर आता है तो आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं हमें। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप देना है तो रेशियो, परसेंटेज, रेट किसी में भी दे सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस, देखिए इसमें लेबर वाला भी आंसर लिख कर आए हैं कुछ लोग, हमको बता रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैंड में होता है ये सेंसस कंडक्ट करवाना इंडिया में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी पार और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग लग रहा है इसका आंसर, डायरेक्ट तो नहीं लग रहा था लेकिन हमें इसमें कन्फ्यूजन है। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर, बहुत ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन आंसर ट्रू नहीं है, एग्रीकल्चरल वाला जो आंसर था बी, ये UGC नेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू सिंगल सुपरवाइजर, स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग ऑल्सो, ये आंसर डी आप करवाओगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज वो चेंज हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए डायनेमिक होते हैं, इसका आंसर है डायनेमिक, तो आर डायनेमिक का मतलब अडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। और प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इनविटेशन कार्ड के लिए जॉब पोस्टिंग बेस्ट रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय कंपनी फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम तो कैपिटल रिसीट होता है, किस लिए इशू किया जाता है, कैपिटल के ही पार्ट में यूज़ किया जा सकता है, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर के फॉर्म में। सिंपल सा ये भी है, जब आप बोनस शेयर वाला टॉपिक पढ़ते हैं बीकॉम में तो ये समझाया जाता है वहाँ पर। द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट कॉस्टिंग, बेसिक कॉस्ट निकालनी है वन की तो यूनिट कॉस्टिंग। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एयर इज कॉल्ड GDP। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 200 होते हैं, इसमें 50 आंसर लिखा है, बहुत लोग ने हमको बता रहे थे। इफ कैपिटल दी है, लाइबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, 10,000 इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, का टूल नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। गुड्स सोल्ड ऑन, इसमें क्रेडिट सेल होता है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। सेकेंड क्वार्टाइल को मीडियन कहते हैं, सेकेंड जब क्वार्टाइल निकालते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला सेकेंड क्वार्टाइल में यूज हो जाता है। करेंट रेशियो दिया 2:1, आप वर्किंग कैपिटल में इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, आंसर इज 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड डिटरमिनेशन, दोनों अनरिलेटेड हैं क्योंकि दोनों की जो इक्वेशन जो लिखी है वो बनेगी तो अलग अलग बनेगा।
मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में वो आंसर है इसका सी, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ये अगर पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू अगर कोई कंपनी बनी है तो उसको स्टेचुटरी कंपनी कहते हैं। 566 यूनिट्स आएगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स प्लानिंग होता है। द कॉस्ट हैड रिमेन्ड कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर रिसेशन कम्स डिप्रेशन आता है, इसमें आप डिवाइड करेंगे फॉर्मूला, कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है उसमें। तो सोल्यूशन हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे, आपको आंसर हम बस बता दे रहे हैं, 0.6:1 होगा। कार्ल पियर्सन कोफिशियंट दो के बीच में निकालता है, दो वेरिएबल के बीच में एक्स एंड वाई जैसे लेते थे हम। आंसर इज ए। विद रिगार्ड टू, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा था तो हमने इसमें क्वेश्चन मार्क कर दिया। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ द पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंजेस अकॉर्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन बुक्स बट नॉट इन अकाउंट्स, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। तो एडमिशन का क्वेश्चन है ये, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज बुक वैल्यू पे ही निकालते हैं डेप्रिसिएशन। द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, गैम्बलिंग का कोई पार्ट नहीं होता इनकम टैक्स में। अक्रूवल सिस्टम इज नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं। AS6 होता है डेप्रिसिएशन का, 87 क्वेश्चन। अगर आपको लॉस के लिए पहले से बनाकर चलना होता है तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, प्रोविजंस तभी बनते हैं। 89 का आंसर 4400। नेक्स्ट, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर आया तो इसका आंसर, देखिए इधर के ये चार क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं मिल पाए थे और एक का आंसर हम बता दे रहे हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 92 पैकिंग क्रेडिट ECGC का पार्ट होता है ये, तो 92 का आंसर डी होगा। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, इनकम को मेजर करने के लिए एक्सपेंसेस को सामने रखना होता है। एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ ओनरशिप लाइफ एग्जिस्टेंट पोजिशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड, इसका आंसर हमें वेरिफिकेशन लग रहा है, तो आंसर इज सी वेरिफिकेशन। 94 राइट्स मीन्स दोज, जो राइट शेयर वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं, आंसर इज बी। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कंट्रोलिंग किया जाता है। जेड थ्योरी का आंसर इसमें कुछ रॉन्ग लग रहा था हमें, तो इसका आंसर में भी क्वेश्चन मार्क है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑपरेटिंग रेशियो सब। डेविएशन जो निकालते हैं हम, जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है मीन में, तो डेविएशन का सम हमेशा जीरो आता है। 99 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस बढ़ेगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। द फोर्स दैट डिराइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन होता है, दैट एनर्जाइजेस पीपल टू टेक एक्शन, दैट इज मोटिवेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1st मार्च, उसका असेसमेंट ईयर 17-18 होगा क्योंकि 31st मार्च के पहले का टाइम है यहाँ पे। द पार्टनरशिप मे कम टू एन एंड ड्यू टू, सारे केसेस सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। व्हाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी सुपरवाइजर्स डेलीगेट्स ओनली अथॉरिटी, ही डेलीगेट करता है वो सिर्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव लिखा है, आंसर इज सी। आफ्टर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, इसमें इंटरनल ऑडिट हमें लग रहा है आंसर, तो आंसर 107 में कन्फ्यूजन है। अगर कुछ रॉन्ग होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा क्योंकि हमने बहुत जल्दी से इसको जल्दी जल्दी करके बनाया है। एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन होता है। मोस्टली जो आंसर हैं वो हमने पूरे चेक करके पूरे टीम के थ्रू डिस्कस करके ही दिए हैं। ज़्यादातर सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कन्फ्यूजन था तो उसको हमने नहीं किया कि आपको मिसकंसेप्शंस ना दे, इसलिए हमने जो करेक्ट आंसर है वो हमने उसी को ही टिक कर रखा है यहाँ पर। जिसमें कन्फ्यूजन है उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आपको भी फालतू का ना बोल दे कि ये आंसर है इसका सही। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग पे एक बड़ा सा खर्चा कर दिया स्टार्टिंग में, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन, को फंक्शनल टू, को एंड टू से रिलेट कर सकते थे। द पोर्शन ऑफ अन कॉल्ड कैपिटल को, जो कैपिटल का पार्ट हमने नहीं बुलाया अभी, इसको बाद में बुलाएंगे वाइंडिंग अप के टाइम पर, रिजर्व कैपिटल कहते हैं इसको। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दो होती हैं, तो रिजर्व कैपिटल है ये। द एक्सपेंसेज विच आर इनकर टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज होते हैं यहाँ पे, सेलिंग एक्सपेंसेज दिया हुआ है, रॉन्ग है। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है ये। इंडेक्स नंबर परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप डीड का था और ये ब्रेक इवन PV रेशियो का फॉर्मूला सी है, इसका आंसर नहीं मिला था तो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है।
बाइनोमियल हो सकता है। टेन इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, गैंग बॉस का रोल होता है टूल्स एंड मशीन का सेटअप देखना। फोर टाइप्स के बॉस होते हैं टेलर के, उसमें बताए थे उसने। डेट रेशियो सॉल्वेंसी के लिए होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, फैक्ट्री में जो हुआ खर्चा हुआ प्राइम कॉस्ट। रिडम्पशन के बाद जो सिंकिंग फंड अकाउंट को जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाता है। इनकम टैक्स इंसिडेंस रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिसाइड होता है। सर्कुलर वेरिएशन है इसका आंसर, अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर सर्कुलर के फॉर्म में चल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, ये सारे थे हमारे 125 क्वेश्चन। तो आपको अगर कोई डाउट लग रहा है इसमें जो हमने क्वेश्चंस बताए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।